Hello and good morning, dear students. So we started with the chapter second, and the first topic that we did was globe. Do you remember? आपको याद है globe क्या है? याद करो क्या बताया था मैंने आपको globe के बारे में. So globe is the true model of the earth. Earth का model होता है globe. जैसे earth दिखता है वैसे ही हमारा ग्लोब भी दिखता है. आपको मैंने कहा था कि अगर किसी के घर पे ग्लोब है तो वो ग्लोब घर पे देखे, उसको नोटिस करे कैसा वो दिख रहा है, कैसा वो घूम रहा है. वो एग्जैक्टली जैसे घूमता है वैसे ही हमारा अर्थ घूमता है. और हाँ, एग्जैक्टली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये सारी चीजें वहां पे बताया जाता है. सो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी. नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज Another imaginary line running on the globe is divided into two equal parts. This line is known as equator. The north half of the equator is known as the northern hemisphere, and the southern half is known as southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circle line, and it's very important reference point to locate places on the earth. Imaginary circle, ये जो गोल हमारा ग्लोब है, देखो यहां से आपको दिखाई देगा, ये जो ग्लोब है इसको बीचों बीच आधा करता है हमारा इक्वेटर. क्या है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम? इक्वेटर. इक्वल, इक्वल पोर्शन में दोनों को डिवाइड करते हैं. इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी लाइन है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें से हम चीजों को लोकेट कर सकते हैं. तो अगर ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा ग्लोब है और इसको बीचों बीच इक्वेटर से हम उसको हाफ कर देते हैं, तो ऊपर का पार्ट क्या हो जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे का पार्ट क्या हो जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, आपको ग्लोब से एक बार दोबारा दिखाती हूँ. देखो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, और इस ग्लोब को हम बीचों बीच अगर कट करते हैं, ठीक है, एंड इफ दिस इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, ये अर्थ को दो भागों में हम बांटते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर. इक्वल से याद रखना, इक्वेटर. इक्वल हाफ में हम अगर उसको कट करें तो इसको कहेंगे हम इक्वेटर. ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है और नीचे वाला पार्ट साउथ होता है, तो इसी वजह से हम ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ओके, समझ में आ गया सबको? सो all parallel circles from equator up to the poles are called parallels of latitudes. Parallels of latitudes and latitudes are measured in degrees. ये देखो, ये equator है. Equator बीचों बीच गया है और उसके ऊपर से जो भी lines आपको दिख रही हैं, ये एकदम north pole तक और नीचे south pole तक सारे ऐसे लाइन जो डिवाइड करते हुए अर्थ को पूरा डिवाइड कर रहा है. और इसको डिग्री में, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे करके पूरे डिग्रीज में इनको अर्थ को छोटे से छोटे को डिवाइड करते रहते हैं, इसको कहते हैं हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट जीरो डिग्री. इक्वेटर जीरो डिग्री है क्योंकि जीरो डिग्री इसी वजह से, वो बीचों बीच है और दोनों हाफ से कट गया है इसको, तो ये हमारा हो गया जीरो डिग्री. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज नाइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 60 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री. दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. सो ये 80 डिग्री, उसके बाद जो 90 डिग्री आता है यहाँ पे, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, तो इसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री और हाफ हाफ से हम इसको ऐसे करके कट कर सकते हैं. सो 1/4 ऑल सच आर द पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स.
सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। ये जो इक्वेटर बीच में से गया है, ये जो सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, देखो सब एन एन लिखा है, एन 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 मतलब नॉर्थ, और देखो यहाँ पे इक्वेटर के नीचे 20 डिग्री एस लिखा है, मतलब इसका है साउथ। तो ऊपर की तरफ जो भी जा रहे हैं वो होगा हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे की तरफ जो आ रहा है इक्वेटर से नीचे वो हो जाएगा हमारा साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ओके, तो ये आपको समझ में आया, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो लाइंस है ना पैरेलल है, एक के साथ दूसरा जुड़ते हैं, और इसकी वजह से हमें जगह जगह का मेजरमेंट, कौन सा कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। सो आपको आज हम लोगों ने क्या देखा, इट्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और हम लोगों ने देखा इक्वेटर। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई है, जनरली इंडिकेटेड लेटर एन फॉर नॉर्थ, लेटर एस फॉर साउथ। सो फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजेंटल इन द ब्राजील साउथ अमेरिका लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये तो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब सोचो यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ब्राजील है, लेकिन महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड से जाता है, और ब्राजील का बेलो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड से जाता है। सो ये एक मेजरमेंट और या फिर डिग्री से हम जगह को नाप सकते हैं, सेम लैटिट्यूड में दोनों, भले ये विदेश में है, ये वेस्टर्न कंट्री है, हमारा ईस्टर्न कंट्री है, लेकिन लैटिट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है, सेम लैटिट्यूड उसके ऊपर से गुजरती है। सो ऐसे करके ये बहुत सारी चीजें बताई है। सो इम्पोर्टेंट क्या है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, सो ये सारी जो चीजें है ये हम कल देखेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हम मुझे मैसेज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है आपको अगर समझ में नहीं आ सकता, यू कैन व्हाट्सएप मी इन माई पर्सनल नंबर सो दैट आई कैन गेट ऑल योर मैसेजेस। सो दिस इज दैट वी आर डन, कल हम देखेंगे इनके और सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ये पूरा जो हमारा ग्लोब है कैसे करके चलता है, ये ग्लोब कल हम देखेंगे। सो धीरे 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 करके ये सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।